ब्रेकिंग न्यूज है उत्तरी गाजा से। खबर है कि इसराइल की सेना ने वहां मौजूद शिफा अस्पताल को चारों तरफ से घेर लिया है। इसराइल ने वहां अपने खतरनाक टैंकों को उतार दिया है। शिफा अस्पताल के पास हमास के लड़ाकों और इसराइल के सैनिकों के बीच आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई है। दोनों तरफ से जारी भीषण गोलीबारी की वजह से आसपास के इलाकों में भी अफरा तफरी मच गई है और लोग जान बचाने के लिए वहां से भागने को मजबूर हो गए, क्योंकि शिफा अस्पताल में ही हमास का कमांड सेंटर होने का दावा किया जाता है और इसराइल के मुताबिक हमास के लड़ाकों को आदेश वहीं से मिलता है। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसराइल से। नीरज, क्या पता चल रहा है इस पर? जी किशोर, गाजा सिटी के शिफा अस्पताल में, जिसे आईडीएफ के लोगों का कहना है कि वो आतंकियों का सेंटर है, मुख्यालय है और कमांड सेंटर है, वहां लगातार हमले जारी हैं। तोप और टैंक के अलावा हवाई हमले भी जारी हैं और चारों तरफ से आईडीएफ के जवानों ने शिफा अस्पताल को घेर रखा है। आतंकियों के साथ भी फायरिंग हो रही है और एक के बाद एक पांच धमाके हुए जो गाजा से खबरें मिली। कल इसी तरह के हमले में शिफा अस्पताल के क्वार्टर में 50 आतंकियों के ढेर होने की खबर थी और आईडीएफ ने इस तरह का बयान दिया था। तो लगातार शिफा अस्पताल पे फोकस है और अगर शिफा अस्पताल पे कब्जा कर लिया आईडीएफ के जवानों ने तो समझ लीजिए कि हमास के खिलाफ उनकी आधी लड़ाई पूरी हो जाएगी। और इसी वजह से इसराइल ने हमास की कमर तोड़ने के लिए उत्तरी गाजा में मौजूद शिफा अस्पताल पर सबसे बड़ी स्ट्राइक कर दी और इसराइल के सैनिक वहां हमास के लड़ाकों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें मौत दे रहे हैं। लेकिन दावा किया गया कि हमास के लड़ाके भी वहां इजरायली फौज पर पलटवार करने का कोई मौका नहीं चूक रहे। हालांकि इसराइल ने पूरी तैयारी के साथ शिफा अस्पताल पर धावा बोला और टैंकों के साथ अस्पताल के आसपास के इलाके को घेर कर बमबारी शुरू कर दी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दिखा कि शिफा अस्पताल के करीब एक विस्फोट के बाद लोग दहशत में आ गए और जान बचाकर भागने लगे। दावा किया गया कि इसराइल के इस एक्शन से भड़के हमास के लड़ाकों ने जोरदार पलटवार कर दिया, जिसके बाद दोनों तरफ से ऐसी गोलीबारी हुई कि आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया और खौफ में आए सैकड़ों परिवारों ने वो इलाका छोड़ दिया।